सो हे गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं RC 390, RC 200 एंड RC 125। सो तीनों ही बाइक लॉन्च हो गई है, जैसे आपको टाइटल थंबनेल से पता चल गया होगा। तो इसके रिलेटेड हम बात करने वाले हैं कि बाइक में क्या नया चेंजेस है, बाइक का प्राइस कितना होने वाला है, और बाइक कब तक अवेलेबल होगी आपको शोरूम्स में, कब तक देखने को मिलेगी, इसके रिलेटेड बात करेंगे। एंड होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो जल्दी से जल्दी पूरा वीडियो कवर कर दूंगा मैं, मतलब तीनों ही बाइक को कवर करूंगा वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, बट साथ ही साथ आपको तीनों बाइक की इमेज दिखा देता हूँ जो BS6 में आपको देखने को मिलेगी, कलर स्कीम जो आने वाला है। तो आप फोटोज़ भी देखो और मैं आपको इन्फो बता रहा हूँ। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं RC 125 के रिलेटेड। तो RC 125 में ऐसा कुछ भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा, आपको वही पावर देखने को मिलेगी। सिर्फ कलर स्कीम, जो उसका ग्राफिक है और उसका जो कलर है वो ही नया है, बाकी बाइक सेम है। BS6 इंजन है और कुछ भी इसमें नया नहीं है। आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलेगा और कुछ भी ऐसा अपग्रेड नहीं है। तो ये हो गया इसके रिलेटेड। एंड जो इसकी हम प्राइसिंग की अगर बात करेंगे तो आपको इतना, मतलब कि मैक्स टू मैक्स 3000 ही आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज जो आपको सिर्फ एक ग्राफिक वगैरह का मतलब कि पे करना पड़ेगा और BS6 इंजन का थोड़ा बहुत, तो इससे ज़्यादा आपको प्राइसिंग देखने को नहीं मिलेगी। बिकॉज ड्यूक 390 में भी उसमें अपग्रेड किया गया इससे ज़्यादा, एंड उसमें भी आपको 5 से 6 हज़ार रुपये ही ज़्यादा देखने को मिले। तो प्राइसिंग इतना ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है RC 125 का। और बाकी इसमें आपको अंडर वैली एग्जॉस्ट ही देखने को मिलेगा, माउंटेड एग्जॉस्ट देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज फोटोज़ में साइड में माउंटेड सिर्फ RC 390 में। तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन RC 125 के बारे में। तो अब बात करते हैं RC 200। RC 200 में आपको नया कलर स्कीम देखने को मिलेगा, नया इंजन जो BS6 होगा, एंड साथ ही साथ आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलेगा। अब इसमें स्लिपर क्लच होगा कि नहीं होगा वो कन्फर्म नहीं है, बाकी इसमें डुअल चैनल ABS होगा लाइक ड्यूक 200। और बाकी इसका जो प्राइसिंग की अगर हम बात करेंगे, बाकी आपको फोटो स्क्रीन पे दिख ही रही होगी, तो प्राइसिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसका भी प्राइसिंग ज़्यादा से ज़्यादा 4000 ही जाएगा। इसमें आपको सिर्फ अपग्रेड देखने को मिला है, वो है कलर, सेकेंडली आपको डुअल चैनल ABS जो कि सिंगल चैनल में था। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो बाइक है वो है RC 390। तो RC 390 में भी मेन आपको कलर स्कीम नया देखने को मिल रहा है, आपको उसकी फोटोज अभी यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिल रही होगी। सेकेंडली इसमें आपको जो डुअल चैनल ABS स्लीपर क्लच, इसमें सब चीज़ तो आपको पहले से देखने को मिलती थी, तो अब इसमें शायद आपको क्विक शिफ्टर देखने को मिल जाए ड्यूक 390 की तरह। और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला, बाकी बाइक में ऐसा कुछ भी चेंजेस नहीं है। जो रूमर्स थे कि TFT आने वाला है, तो ऐसा TFT वगैरह अभी कुछ नहीं आने वाला है इसमें। तो बिकॉज इसका प्राइस भी इतना ज़्यादा, जो इसका ऑनलाइन इसका जो प्राइस है वो लीक हुआ है, तो उसमें भी मैक्स टू मैक्स 5 से 6000 ही इंक्रीज़ हुआ है, तो इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा TFT। वही कंसोल होगा जो आप ऑलरेडी देखते आ रहे हो RC 390 में। और बाकी वो दोनों ही बाइक जो मैं इससे पहले कवर कर चुका हूँ, RC 200 125, दोनों में ही आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा। बट इसमें जो BS4 में था आपको साइड माउंटेड एग्जॉस्ट देखने को मिल रहा था, वही सेम टू सेम इसमें भी कंटिन्यू होने वाला है BS6 में। और पावर फिगर की बात करेंगे तो पावर फिगर जो आपको RC 390 BS4 में देखने को मिलता था ऑलमोस्ट सेम होएगा, एज सच इसमें कोई भी ड्रॉप देखने को नहीं मिलने वाला। और प्राइसिंग की अगर बात करते तो मैंने आपको बता दिया, तो 5 to 6000 इसमें आपको अपग्रेड देखने को मिलेंगे इसमें। मतलब कि इतनी जल्दी जल्दी आपको इसका सारा बताया बिकॉज इतना सच कुछ अपग्रेड नहीं है, तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आपको जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन मिले, सो इसीलिए जल्दी जल्दी बता दिया। तो अब बात करते हैं तीनों ही बाइक कब तक अवेलेबल होगी। सो अवेलेबिलिटी की बात कर लेते हैं तीनों बाइक की, तो कब तक अवेलेबल होंगी शोरूम्स में, तो आपको ये मिड फेब तक देखने को मिल जाएगी तीनों ही बाइक। एंड जैसे KTM ने अब ऑफिशियल कर दिया कि बाइक जल्दी आने वाली है, तो आपकी इसकी बुकिंग भी एक्सेप्ट होने को देखने को मिलेगी शोरूम्स में, जैसा ही ड्यूक 200 में हुआ था, कि उसका भी एक पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे छोटा सा वीडियो, एंड साथ ही साथ फिर उसका जो बुकिंग एक्सेप्ट होने लगा था शोरूम्स में, तो सेम आप इसमें भी देखने को मिलेगा। बाकी ड्यूक 390 और ड्यूक 250 भी, अगर मैं 250 की स्पेशली बात करूँ तो वो तो अवेलेबल है, मैंने अपने नियरेस्ट शोरूम्स में 2-3 में जाके देखा, वहाँ पे ड्यूक 250 अवेलेबल है, 390 अवेलेबल नहीं है। इतनी जल्दी बाइकें अवेलेबल नहीं हो पा रही, तो मैं इसीलिए आपको मिड फेब तक बताया इन तीनों ही बाइक का, कि अवेलेबल करने में बाइक थोड़ा टाइम लग रहा है इनको। तो बाकी देखते हैं कि कब तक बाइक अवेलेबल होगी। प्राइसिंग आपको बता दिया, क्या अपग्रेड है वो बता दिया तीनों ही बाइक के रिलेटेड जल्दी से जल्दी। एंड नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करना, मैं आपको BS4 का भी अगर आपको चाहिए तो मैं उसके रिलेटेड भी बात बताने वाला हूँ, BS6 ड्यूक 250 के रिलेटेड भी बात करूँगा और BS4 से उसे कंपैरिजन भी होगा, तो उसका वेट करना। एंड मेरी तरफ से लास्ट वीडियो था वॉइस ओवर, जो भी आप समझो कि ये जो अपग्रेड है, इसके बाद आपको सीधा व्लॉग देखने को मिलेंगे शोरूम्स के। एंड मैंने आपको होपफुली पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया होगा, एंड अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, एंड नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।